हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू लखनऊ लोकल्स। आज हम बात करने वाले हैं स्टेनलेस स्टील कुकर्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय त्योहार का माहौल है, और मैं आपको बता दूं कि जब दिवाली आने वाली होती है तो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि अगर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है वो होती है हमारे किचन्स के बारे में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि धनतेरस आने से पहले मुझे लगता है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर यूटेंसिल्स के बारे में फिर से अपडेट कर दूं, और जो भी डाउट्स हैं आपके मन में उसको मैं क्लियर कर दूं, जिससे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं वो एक बेहतर यूटेंसिल ले सकें, जिससे आगे भी हमारी फैमिली इसी तरीके से चलती रहे। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं इस धनतेरस, इस दिवाली में बेहतर यूटेंसिल को लेने के लिए, खरीदने के लिए, और उसके से रिलेटेड अगर आपको कोई भी रिव्यूज या कोई भी आपको सजेशंस चाहिए तो अपने इस भाई को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे आज हम लेकर आए हैं 3.5 लीटर के दो तरीके के कुकर, जो हमारे स्पेशल सब्सक्राइबर्स की तरफ से एक डिमांड आई थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि भाई साहब कौन सा कुकर लें। हॉकिंग्स एक ऐसा ब्रांड है, काफी समय से चलता आ रहा है, इनर लिड का है और बाहर से बंद करने वाला बर्जनर का अनप्रेस्ड प्रेशर कुकर भी कहीं से कम नहीं है अगर क्वालिटी की बात करते हैं। तो आज मैं स्पेशली हमारे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स के लिए लेकर आया हूं, क्योंकि वो बहुत एक्टिव है हमारे चैनल पे, हमेशा हमें सपोर्ट करते रहते हैं और मेरी एक फैमिली की तरह हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बर्जनर के अनप्रेशर प्रेशर कुकर की, जिसमें आपको ट्राईप्लाई स्टील मिलती है और यहां पे हॉकिंग्स के स्टेनलेस स्टील कॉन्ट्यूरा 3.5 लीटर के कुकर के बारे में। तो चलिए एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट एक स्टेनलेस स्टील कुकर के बेहतर कुकर की है तो यहां पे आज आपको काफी अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेगी, और इस दिवाली आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आखिर कौन सा कुकर हमें परचेस करना चाहिए। तो ये इन दोनों में से कोई भी कुकर अगर आपको परचेस करना है तो इसी वीडियो के नीचे उसका बाय लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसको डायरेक्टली ऑल ओवर इंडिया परचेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस डिज़ाइन के बारे में। ये डिज़ाइन जो होती है ये प्रेशर पैन शेप कहलाती है, जो कि हमें और आपको ओपन कुकिंग में बहुत हेल्प करती है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा पा रहा हूँ कि अगर ये वाला जो बर्जनर का आपको कुकर मिलता है ये 3.5 लीटर का मिलता है, और जहाँ पे मार्किंग आपको 2.5 लीटर तक की होती है। अब यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बर्जनर का आर्जेंट एलिमेंट्स के कुकर हैं, जो कि ट्राईप्लाई स्टील के हैं प्रेशर कुकर, 5 ईयर गारंटी देते हैं ये लोग, 3.5 लीटर कैपेसिटी है, इलेक्ट्रिक गैस हेलोजन इंडक्शन ये सब पे चलता है। अगर इस कुकर की बात करते हैं तो ये बाकी नॉर्मल ब्रांड से थोड़ा सा अलग होता है। पहली चीज़ तो इसमें काफ़ी अच्छा सेफ्टी और सिक्योरिटी सिस्टम दे रखा है, कि जिसमें आपकी सेफ्टी सबसे ज्यादा ध्यान में रखी गई है। यहाँ पे सेफ्टी वॉल भी काफी एडवांस दे रखा है, हालांकि वो चीज फायदे भी हैं बट कुछ चीजें नुकसान भी हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे जैसे अंदर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कह सकते हैं कि हेल्दी स्टील मिल जाता है, और ये ट्राईप्लाई स्टील का कुकर है जो कि इसको बहुत ज्यादा मजबूत बना देता है 3 लेयर्स होने के कारण। बर्जनर का ब्रांड है, क्वालिटी कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं है, डबल हैंडल के साथ है, और प्रेशर पैन के शेप में वन ऑफ द बेस्ट कुकर है ऑल इंडिया। बट यहां पे ड्रॉबैक इसमें ये हो जाता है, एक तो ये वर्ल्ड कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल नहीं हो पाता है और रेयरली मिलता है, और साथ ही साथ जैसे कि अगर आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो वहां पे तो हमारे लिंक में बहुत इजीली अवेलेबल होगा, और इसके अलग अलग साइजेस आते हैं। जैसे 3.5 लीटर का ये प्रेशर पैन शेप है, इसमें 3 लीटर 5 लीटर के भी मैंने जो लिंक दे रखा है वो थोड़े से ऊंचे साइज के कुकर होते हैं, तो अगर आपकी पसंद है थोड़े से टॉल कुकर की तो वो भी आप हमारे लिंक से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे काफी हेल्दी कुकर है, काफी हेल्दी हाइजीनिक कुकर है, इजी टू क्लीन है, और मैं आपको बता दूं अगर आप पहली बार कुकर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा डिजाइन है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि आउटर लिड से काफी लोग इसलिए भी डरते हैं क्योंकि उसको क्लोज करना, ओपन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट मैं इसके बारे में बताऊं कि ये देखिए कि अगर आपको ये कुकर क्लोज या ओपन करना है, आपको सिर्फ इस तरीके से कुकर को रखना है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, देखिए इस तरीके से आपको कुकर रख देना है और ऐसे करके क्लोज कर देना, दैट्स इट। मतलब ये कुकर आपका बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस ओपन और क्लोजिंग सिस्टम के साथ आता है। 5 साल की आपको गारंटी मिलती है पूरी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स की, बट ये चीज़ है कि अगर आप इसके ओरिजिनल पार्ट्स लेना चाहते हैं तो आपको ऑफलाइन थोड़ा सा रेयर मिल पाएगा, ऑनलाइन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, जिसकी गाइडेंस मैं आपको आगे दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं, इसमें आपको एक नॉर्मल ट्रेडिशनल आपको इस टाइप की विसिल मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ पे सेफ्टी वॉल मिलता है, सेफ्टी वॉल के 2-3 पिन शायद इसमें एक्स्ट्रा भी मिलती हैं आपको। तो अगर आप एक अच्छा बेहतर आउटर लिड ट्राईप्लाई सील का कुकर लेना चाहते हैं जिसमें अलग से बेस नहीं लगा हुआ है, तो बर्जनर आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है और देखने में बड़ा प्यारा लगता है। अगर मैं आपको इसका लुक दिखाऊं तो मैं बताऊं ये फर्स्ट लुक भी आपको पसंद आ जाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी की स्टील, इतनी फ्लॉलेस फिनिशिंग के साथ अगर किचन में आप कोई भी बर्तन यूज़ करेंगे तो बहुत
साथ मन से खाना बना पाएंगे अपनी फैमिली के लिए। और हेल्दी यूटेंसिल होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि कह सकते हैं ना कि चार चांद लगा देगा आपकी कुकिंग स्किल्स में, और आपको मन करेगा कि बेहतर से बेहतर रेसिपीज और कुकिंग में ज्यादा अच्छी तरीके से मन से आप काम कर पाएंगे। तो अगर इस दिवाली अगर आप प्लान कर रहे हैं बेहतर कुकर लेने के लिए ट्राइप्लाई स्टील का, तो बर्जनर का ये 3.5 लीटर आपके लिए बहुत अच्छा कुकर है, जिसको परचेज करने के लिए हमारे लिंक में जाके आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है आउटर लिड के कुकर से और आपकी चॉइस ऐसी है जिसमें हम कह सकते हैं बिल्कुल रफ एंड टफ चॉइस होनी चाहिए और साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया स्पेयर्स अवेलेबल होनी चाहिए और काफी समय का भरोसा होना चाहिए, तो यहां पे थोड़ा सा बर्जनर को हम साइड में रख देते हैं और लेकर आते हैं अपने जाने माने ब्रांड हॉकिंग्स के बारे में। देखिए इस ब्रांड के बारे में मैं आपको बता दूं, मेरे को लाइफ की बहुत बड़ी सीख मिली है। मैं आपको बता दूं ये वाला ब्रांड एक ऐसा है, पहली चीज तो मैंने हमेशा हॉकिंग्स के बारे में जितनी भी जानकारी ली है सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, आपकी सेफ्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है और आपके साथ कभी चीटिंग नहीं करता है। तो ये कुकर इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें, इंडिया के अंदर की बात करें, तो ये कुकर बहुत ज्यादा सेफ होता है और आज ही से नहीं काफी समय से, और इस कुकर ने काफी लोगों के घरों में अच्छी अच्छी डेली रेसिपीज बनाते हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसमें यूएल स्टेट आईएसआई मार्किंग दोनों मिलती हैं, मगर यहां पे जो 3.5 लीटर का है ये अभी न्यू लॉन्च है जिसमें हॉकिंग्स ने आईएसआई मार्किंग आपको दे रखी है, जो कि इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी सेफ्टी के लिए, और साथ ही साथ ये सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है अभी के लिए। अब ये कुकर आपको कंप्लीट आपका ट्राइप्लाई स्टील तो नहीं है, यहां पे आपको मिल जाती है स्टेनलेस स्टील, जिसको अभी मैं ओपन करके दिखा देता हूं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इनर लिड यूज करते हैं, कंफर्टेबल हैं इस टाइप के अंदर के ढक्कन वाले कुकर से, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं कह सकता, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि आप अगर अंदर से बंद करने वाला इनर लिड कुकर लेना चाहते हैं तो सबसे अच्छा कुकर है। और साथ ही साथ ये जो आता है आपका 6.7 mm थिकनेस के साथ आता है, मतलब इसका जो नीचे का बेस दिया हुआ है वो 6.7 mm थिकनेस है। जनरली इसके बाकी मॉडल्स में आपको 5.8 mm की थिकनेस भी मिलेगी, बट जहां हम इस वाली कॉन्ट्यूरा स्टील की बात करते हैं तो ये 6.7 है, मतलब एक्स्ट्रा थिक होती है। और साथ ही साथ यहां पे देखिए नीचे हर एक चीज ये मेंशन करके देते हैं, स्टेनलेस स्टील का कुकर है, बॉडी एंड लिड जो है 18x8 AISI 304 ग्रेड की है, और साथ ही साथ जो नीचे का इंडक्शन कंपैटिबल जो ये हैवी बॉटम आपको नीचे से दिख रहा है ये 430 ग्रेड का है, जो कि मैग्नेटाइज होता है, इंडक्शन पे भी यूज कर सकते हैं, अब्रॉड ले जाके आप वहां पे हॉट प्लेट पे भी यूज कर सकते हैं। अब यहां पे ये देखिए इस टाइप के नंबर मिलते हैं जिससे हॉकिंग्स हर चीज का पता लगा लेता है, 3.5 लीटर का भी मेंशन यहां पे दिया हुआ है। तो मैं अगर आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप इनर लिड लेना चाहते हैं, आउटर लिड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं, आउटर लिड से अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आई विल नेवर पुश यू कि आप कोई एक ऐसा कुकर लें जिससे आप खुद कंफर्टेबल ना हो। तो ये है कि उन लोगों के लिए कुकर है जो कि इनर लिड से कंफर्टेबल है, काफी समय से इस टाइप के कुकर यूज कर रहे हैं और अभी एल्यूमिनियम या ब्लैक कलर के कुकर उनके पास हैं, तो मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि इस दिवाली में आप ये कुकर ले लें। अगर इस कुकर को खरीदना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं, और सबसे अच्छी बात हॉकिंस की ये है इसमें आपको स्टैंडर्ड स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं ऑल इंडिया, मतलब हर जगह हर गली में अगर आपको यूटेंसिल की शॉप मिलेगी वहां हॉकिंस की ओरिजिनल गैसकेट, हॉकिंस का ओरिजिनल सेफ्टी वॉल आपको अवेलेबल मिलेगा। दो तीन बातों का ध्यान रखना होता है, इसका जो लिड होता है इसमें हमेशा इस टाइप का प्ले होता है तो जो कि कोई खराबी नहीं होती, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। लिड भी बहुत अच्छी क्वालिटी स्टील की होती है और साथ ही साथ इजी ओपन और क्लोजिंग इसमें आप कर सकते हैं। तो ये अगर आप 3.5 लीटर का, 5 लीटर या 3 लीटर का नहीं, 3.5 लीटर का वाइड कुकर लेना चाहते हैं तो यहां पे कॉन्ट्यूरा 3.5 लीटर स्टेनलेस स्टील आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें 4 लीटर कैपेसिटी का भी कुकर आता है जिसको आगे मैं किसी वीडियो में जरूर दिखाऊंगा, बट ये है कि जिन जिन की रिक्वायरमेंट 3 लीटर से थोड़े से बड़े कुकर की है, जिसमें आपको ओपन स्पेस मिल जाए खाना चलाने के लिए और साथ ही साथ इसमें अच्छी तरीके से ओपन कुकिंग करने के लिए, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अब बात करते हैं कहां से ले सकते हैं। देखिए इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, मगर अगर बेहतर डिस्काउंट अगर अभी बात की जाए तो इसी वीडियो के नीचे मैंने आपको लिंक दे दिया है जो कि बेस्ट बाय लिंक है और जहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो ये है कि एक बेहतर यूटेंसिल है और मैं आपको बता दूं कभी भी कोई चीज आपके पास आती है उसको आपको, या कभी आप कहीं जाके कोई चीज खरीदते हैं या कुकर स्पेशली खरीदते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान रखिए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले लिड में ध्यान रखिए कि कहीं भी मार्किंग नहीं होनी चाहिए, कहीं भी ये साइड में डेंटिंग
स्टफिंग नहीं होनी चाहिए, एक फ्लॉलेस फिनिशिंग होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे ये है कि अगर कुकर को एक बार पूरा 360 डिग्री व्यू दे के देख लीजिए कि कहीं से दबा हुआ तो नहीं है। हालांकि हॉकिंग्स में ऐसा इश्यूज आते नहीं है, यहाँ पे साइड में बहुत ही बेहतरीन फिनिशिंग होती है। हमेशा ये बैकेलाइट जरूर चेक कर लीजिए कि कहीं से भी डैमेज ना हो, अगर कहीं से डैमेज नहीं है, नीचे से हैवी बॉटम भी बहुत बराबर और अच्छा बेहतरीन दिया हुआ है, तो आप इसको रेडी टू कुक समझिए, इसको अच्छे से वॉश करिए और घर में हेल्दी कुकवेयर में खाना बनाना शुरू करिए बिना कुछ सोचे समझे। तो अगर एक बेहतर कुकर लेना चाहते हैं तो हॉकिंस का ये कुकर आपके लिए अच्छा है। और अगर आप आउटर लिड कुकर लेना चाहते हैं जो कि आपको ट्राईप्लाई सील में बेहतर क्वालिटी का है, तो बर्जनर का ये कुकर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मगर यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, बर्जनर नहीं लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे लिंक में मैंने आपको और भी अदर ऑप्शंस दे रखे हैं जो कि इंडिया के काफी रिनाउंड ब्रांड्स हैं, जिसको आगे मैं कभी डिस्कस जरूर करूंगा, बट ये है कि वो भी आपको अभी लिंक में मिल जाएंगे एज ए ऑप्शन, बट आगे उसकी वीडियो भी जरूर बताएंगे अगर आप कहते हैं। तो दिवाली में धनतेरस से पहले अगर आप कोई ऐसी वीडियो चाहते हैं जो लखनऊ लोकल्स आपको हेल्प कर सके, तो जरूर हमें इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, जिससे हम आपको गाइड कर सकें और साथ ही साथ आपके सामने एक बेहतरीन रिव्यू ला सकें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और बहुत सारी और वीडियोज आने वाली हैं, तो बस इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए अपने इस चैनल को, और इसको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।